ना, तो जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इट इज द सम ऑफ द, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड। मतलब क्या हुआ, पहले देख लो बेटा फिर छाप लेना। यहां जैसे हम लोगों ने H2SO4 का एग्जाम्पल लिया, अब चीख चीख के मैंने क्या बोला था कि H2SO4 अपने आप में क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो अब अगर मुझे, और ये मॉलिक्यूल भी अपने आप में, तो इसका जब मास निकलेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। इसका जो मास निकलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अब सुनो, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, एक सल्फर का मास होता है 32, और एक ऑक्सीजन का मास होता है कितना, 16। मुझे कैसे पता, याद है, तुम्हें कैसे पता चलेगा, मैं याद करवाऊंगी। आ रही बात समझ में, शांति शांति। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। जो तू 8 बोल रही है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, वो बाद में खेलेंगे, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कितने का, 1 ग्राम का। एक हाइड्रोजन कितने का, 1 ग्राम का। तो दो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 ग्राम के, ठीक है। सल्फर तो यहाँ पे है ही है, यानी कि 1 into कितना, 32। सो दिस इक्वल्स हाउ मच, 32। एक ऑक्सीजन 16 का, तो 4 ऑक्सीजन कितने के हो जाएंगे, 64 के। जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 98। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, 98। तो हम लोगों ने जब मॉलिक्यूलर मासेस की बात करी तो हम लोगों ने क्या बोला कि ये एटॉमिक मासेस का क्या होता है, सम होता है। ये क्या होता है, एटॉमिक मासेस का सम होता है, किसके, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मासेस को ऐड करके जो आता है, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट मासेस को जो ऐड करके आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक, सॉरी मॉलिक्यूलर मास। इज दैट क्लियर। अपॉन में 98 नहीं, ऐड करके 98 आंसर आया। अब बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का होता है, इट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम्स, इट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ, सॉरी, एज कंपेयर्ड टू 1/12 ऑफ मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम। रिलेटिव एटॉमिक मास बेटा क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कार्बन की बात करी, ठीक है, तो कार्बन का मास हम लोगों ने कितना माना था, 12। लेकिन मैंने चीख चीख के क्या बोला कि देखो कार्बन जो है वो दो कार्बन होते हैं, एक 12 वाला होता है, एक 14 वाला भी होता है, ठीक है ना। वैसे ही जो ऑक्सीजन होता है वो 16 भी होता है, 17 भी होता है और 18 भी होता है, मतलब वो नेचर में तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। वैसे ही अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन 14 भी होता है, 16 भी होता है। और ये सारे मासेस हम कहाँ से लाए, इसी से कंपेयर करके, सभी मासेस, ये जितने भी मासेस आए हम लोगों ने कहाँ से निकाले हैं, कार्बन 12 से कंपेयर करके ये सारे मासेस निकाले हैं। लेकिन निकाले हैं, यानी कि इसके दो मासेस और है, इसका एक और है। तो जब हम लोग इनका एवरेज लेते हैं, जब हम लोग इनका एवरेज लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव मतलब लिटरल सेंस में एवरेज ही होता है, जो हम लोग एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीखेंगे कि अगर एक एटम एक से ज्यादा नेचुरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है और सबके मासेस क्या है, अलग अलग है, तो हम लोग उसके एवरेज पर आएंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। जैसे कभी तुम्हें रियलाइज हुआ हो तो क्लोरीन का जो मास होता है वो होता है 35.5, कभी पढ़ा है ऐसा, ये बताओ कैसे आता है। क्लोरीन का मास 35 भी होता है, क्लोरीन का मास 37 भी होता है। हम लोग इसका वेटेड एवरेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं,
और उस वेटेड एवरेज का आंसर कितना आता है 35.5, और इसी को हम लोग इसका क्या मानते हैं, एवरेज एटॉमिक मास मानते हैं। आ रही है क्या बात समझ में, बोलो कोई परेशानी? देखो एवरेज एटॉमिक